जय हिंद भाई सभी को। आप सभी को बता दूं, पिछले 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं और अभी भी शायद 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा। उसके पीछे का एक रीज़न है, आप देख रहे हैं ये जो गाड़ी चल रही है ना, आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में जो गाय है उसमें एक लंपी रोग की बीमारी चल रही है और इस बीमारी के चलते बहुत सारी गाय मरती जा रही है और इससे ग्रसित होती जा रही है और इसका अभी तक जो इलाज है पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। उसी के लिए एक बहुत ही बड़ा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आपने पोस्टर देखा होगा, नहीं देखा होगा आप देख सकते हो हमारे गांव किंसरिया में। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है और इस आयोजन का जितना भी खर्चा होगा मैं पूरा वहन करूँगा। ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि इस भजन संध्या के साथ में जो भी भामाशाह जो भी भाई बंधु गायों के सहयोग में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको एकत्रित कर सके, अगर किसी का 100 रुपये भी देंगे तो इतनी बड़ी विशाल भजन संध्या होगी कि गायों के इलाज का बहुत सारा खर्चा उससे उठाया जा सकता है। आने वाली 25 तारीख को ये आयोजन होगा और उसी के लिए ग्राउंड की पूरी तैयारी चल रही है। ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, बहुत ही कमाल की गाड़ी है ये, ठीक है, लगभग 1,30,00,000 की गाड़ी है। मैंने अभी इसकी प्राइस सुनी है लेकिन इसका काम उससे भी तगड़ा है। तेल ये ज़रूर खतरनाक पीती है, 1 घंटे में 20 लीटर। और वो जो आयोजन है उसमें विश्व प्रसिद्ध संगीतकार भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े कलाकार जिनमें से ओम जी मुंडेल जो सिर्फ गायों के लिए ही गाते हैं उनको बुलाया गया है और ये उसी की तैयारी चल रही है। अभी 25 तारीख तक उस आयोजन के लिए मैं अपने गांव में रहूँगा और इस विशाल भजन संध्या से जो भी चैरिटी होगी उस चैरिटी के पैसे से जितनी भी गायें हैं आसपास की जो लिम्फी रोग से बीमार है ग्रसित है उनका इलाज कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्य सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा कि हाँ कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी मेरे भाई बंधु कुचामन के आसपास के हैं, कुचामन पर्वत सर मकराना किशनगढ़ मेड़ता या राजस्थान से जो भी भाई बंधु जो आ सकते हैं इस कार्यक्रम में, 25 तारीख को आप सभी का स्वागत है। विशाल भजन संध्या रहेगी है और उसी की तैयारियाँ चल रही है। आप देख लो ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, एक बार पूरा दिखा भाई, घूम के दिखा दे एक बार बढ़िया से, पीछे भी दिखा दे। एक माता जी का बहुत अच्छा मंदिर है भाई, पीछे आप जहाँ देख रहे हो दिखा दे बेटा पीछे, बहुत ही विशाल। और इसको अभी तैयार किया जा रहा है पूरे को, जो भी खराब हो रखा था, ताकि कुछ अच्छा हो सके, जीवन में ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे और पता नहीं कितनी सांसें हमारी लिखी है। बस ये है कुछ अच्छा कार्य कर लें। इंसान होता तो बोल देता, जानवर नहीं बोल सकता लेकिन उसको बचाना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का गोबर तक भी उपयोगी है। अब इससे उपयोगी जो जानवर है या जिसको हमारे देश में माता का दर्जा दिया गया है गौ माता का, उसको बजाय सरकारें कहीं चित्ते ला रही है कहीं कुछ ला रही है, लेकिन हमको उसको बचाना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहला काम उसी के लिए ये किया जा रहा है। इसीलिए मैं 2 दिन और क्लासें नहीं ले पाऊँगा, उसके बाद में फिर आपकी क्लासें निरंतर रहेगी भाई। जय हिंद जय भारत।